उंड इन दिस पैंड पीरियड नाउ आज हम इस लेक्चर में कुछ ईडियम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वाले, आप इन एडियम्स को अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं क्योंकि ये ईडियम्स बहुत कॉमन है और हर कोई इनको अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं ताकि जब भी मैं को यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन इजिली मिल जाए और राइट गाइज सो गाइज सो गाइज यू आर सपोज टू ड्रिल दीज इडियम सो दैट यू कैन कीप इन माइंड और राइट स्पीक यू कैन यूज इट एन देयर इन टू बी फ्लुट सो गाइज स्टार्ट करते हैं और इडियम्स right, को देख के सबका मुंह ऐसा हो जाता है ठीक है सब ऐसा मुंह बना लेते हैं इंग्लिश को देख के भी और इडियम्स को देख के भी क्योंकि ये बहुत थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है यूज करने में बट यहाँ पे आप इनको इजीली यूज कर पाओगे ठीक है और राइट सो स्टार्ट करते हैं सो फर्स्ट ईडियम आता हमारा बैट आउट ऑफ हेल्थ इसका मतलब क्या होता है बैट आउट ऑफ हेल मीनस मूव वेरी क्विकली जब कोई बहुत क्विकली मतलब बहुत तेजी से मूव करता है ठीक है उसको हम बैट आउट ऑफ हेल कहते हैं एग्जाम्पल so, देख लेते हैं इसका ही टुक ऑफ फॉर दिल्ली लाइक अ बैट आउट ऑफ हेल ठीक है वो कैसे निक, वो निकला दिल्ली के लिए निकला ये बहुत तेजी से वो दिल्ली के लिए निकला ठीक है तो हम इसका एग्जाम्पल में मूव वेरी क्विकली की तरह यहाँ पे यूज कर सकते हैं सेकेंड चिकन चिकन हार्टेड हार्टेड कौन सा होता है जो कि ब्रेव नहीं होता उतना उसके अंदर साहस नहीं होता है वो हमेशा कावर्ड रहता है डरा डरा सा रहता है ठीक है सो इसको हम एग्जाम्पल कैसे यूज कर सकते हैं हम बोल सकते हैं अगर हमें किसी को चुकाना है तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं म नॉट गोन अ प्ले विद यू ठीक है सो आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं इसको यू आर मोस्ट चिकन हार्टिड पर्सन मैन आई हैव आई हैव एवर मैट और राइट तो चिकन हार्टेड पर्सन मतलब ऐसा इंसान जो कि ब्रेव नहीं है ठीक है कावर्ड है डर लगती है उसमें हमेशा तो so, हाँ यहाँ पर हम आप इस ईडीएम का यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट अब बैड एग बैड एग मतलब होता है नॉट नाइस पर्सन एक ऐसा इंसान जो कि उतना अच्छा नहीं है वो डिसऑनेस्ट है ठीक है और हमेशा उसकी ग्रुप में लड़ाई होती रहती है और नाइस नहीं है वो तो हम पर बैड एक्ट का यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल रियान क्रिस्ट्री इज द बैड एक्ट ठीक है रियान क्रिस्ट्री जो है वो उतना अच्छा पर्सन नहीं है डिसऑनेस्ट है ठीक है उसके बिहेवियर हमें अच्छा नहीं लगता नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा कर्ल्स समवन हेयर कर्ल्स समवन हेयर मींस होता है टू फ्राइटन और शॉक समवन ठीक है किसी को डराना या फिर शॉक कर देना ठीक है आप ऐसे एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं दिस हॉरर मूवी मेड माय हेयर कर्ल्स ठीक है ऐसा कोई चीज जो हमें डरा देती है हमें बिल्कुल शॉक कर देती है उसको देख के हम डर जाते हैं शॉक हो जाते हैं सो so, यहाँ पे आप कर्ल हेयर का यूज कर सकते नेक्स्ट अ कैट एंड डॉग लाइफ अ कैट एंड डॉग लाइफ मतलब होता है एक ऐसी लाइफ जो कि बिल्कुल यू you नो know, शांति नहीं है लड़ाई होने में है एक दूसरे के बीच भाई बहनों के बीच पार्टनर्स के बीच में लड़ाई होने में है सो so, यहाँ पे आप कैट एंड डॉग लाइफ बोल सकते हैं आपने देखा है कुत्ते बिल्ली को लड़ते हुए कैसे लड़ते रहते हैं सो so, यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से इस को बनाया गया ठीक ठीक है है द लाइफ इन पार्टनर आर फाइट फाइटिंग नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया द कपल्स लीड अ कैट एंड डॉग लाइफ ठीक है जो कपल्स हैं वो हमेशा लड़ते रहते हैं ठीक है उनकी जिंदगी ऐसी गुजरती है ऑल राइट सो नेक्स्ट बियर आउट बियर आउट मतलब होता है सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट ये थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया ठीक है यहाँ पे सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट होगा मीन्स अगर हम एग्जाम्पल देखें आप ऐसे बोल सकते हैं आई विल बियर आउट हर स्टेटमेंट ठीक है मैं उसका जो स्टेटमेंट है उसको सपोर्ट करता हूँ वो जो भी बोल रही है वो सही है मैं उसको सपोर्ट करता हूँ सो so, यहाँ पे आप बियर आउट का यूज कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट हार्ट इन माउथ हार्ट इन माउथ मतलब ठीक है आपको ईडीएम के नाम से पता चल रहा होगा कुछ ना कुछ यहाँ पे स्क्य स्केयरी से रिलेटेड है ठीक है जैसे फीलिंग नर्वस एंड स्क्यर जब हम बहुत नर्वस और स्क्य फील करते हैं तो हमारा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है ठीक है सो हम इस, इस, उस वक्त हम हर्ट इन माउथ ईडियम का यूज कर सकते हैं जैसे हर हर्ट वॉज इन हर माउथ वाइल्ड डिस्कसिंग अ टॉपिक ठीक है वो, डरी, भी वो, थी, वो थी, डरी हुई थी वो बिल्कुल नर्वस थी ठीक है जब वो एक टॉपिक डिस्कस कर रही थी ठीक है टॉपिक डिस्कस करने के दौरान वो बहुत ज्यादा यू नो डरी हुई थी ठीक है और नर्वस फील कर रही थी वाइट एलिफेंट नेक्स्ट एडियम व्हाइट एलिफेंट मतलब होता है समथिंग दैट हैज अ कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी बट हैज नो यूजफुल पर्पस व्हाइट एलिफेंट का यूज आप यहाँ पे कर सकते हैं मान लीजिए आपने कोई चीज खरीद ली ठीक है और वो और जो स्टफ है पूरा पूरा बहुत कॉस्टली निकला और बाद में घर जाके आपको पता चला या फिर उसके साथ ऐसा हो गया कि वो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है वो सो so, आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं वाइट एलिफेंट आप बोल सकते हैं एक तो इस पर इतने ज्यादा हमने पैसे लगाए इतना महंगा इसको खरीदा और ऊपर से ये इसका कोई पर्पज ही नहीं है हमने क्यों खरीदा इसको सो so, वहाँ पे आप यहाँ पे वाइट एलिफेंट का यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल ही इन्वेस्टेड हिज सेविंग्स इन बिजनेस एंड ही टर्न इंटर वाइट एलिफेंट ठीक है उसने क्या किया अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए सेविंग्स अपने सेविंग्स में से इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में फिर फिर भी फिर क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ वो बिल्कुल भी उसका कोई पर्पस नहीं रहा उसके लिए वो यूजफुल नहीं रहा जो भी उसने इन्वेस्ट किया था वो यूजफुल नहीं रहा सो आप यहाँ पे उसको वाइट एलिफेंट की तरह यूज कर सकते हैं ही इन्वेस्टेड हिज सेविंग्स इन द बिजनेस एंड इट्स टर्न इन अ वाइट एलिफेंट ऑल नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा टेक फॉर ग्रांटेड ठीक है टेक फॉर ग्रांटेड का यूज कहाँ पे करते हैं टू अंडर और समथिंग ठीक है टेक फॉर ग्रांटेड मतलब अगर हम किसी को हल्के में ले लेते हैं ठीक है हमारी हमारी लाइफ में उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है सो वहां पे आप टेक फॉर ग्रांटेड का यूज कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं टेक टेक डोंट मी फॉर ग्रांटेड मुझे हल्के में मत लो मेरी जो यू you नो know, मेरे को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करो मेरे अंदर बहुत एनर्जी है ठीक है आप यार ऐसे ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं और आप एक और स्टेटमेंट यहाँ पर बना सकते हैं ही मी फॉर ग्रांटेड उसने मुझे हल्के में लिया उसने मेरी कोई वैल्यू नहीं की ठीक है आप ऐसे इस तरीके से आप इस ई का यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट नाइन डेज वंडर अंडर नाइन डेज वंडर अक्सर हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में जैसे कि हम बोलते हैं ये तो चार चांद चार दिन की चांदनी है क्या खुश हो रहे हो तुम अभी देखना कुछ दिनों बाद क्या होगा तुम्हारे साथ ठीक <laughs> है तो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं नाइन डेज वंडर मतलब समथिंग और समवन दैट क्रिएट अ शॉर्ट लिव सेंसेशन मतलब उस चीज़ को देख के हमें उस वक्त हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जा रहे हैं कि यार ये कितना अच्छी चीज़ है और ये बस यू you नो know, फिर बाद में पता चलता है कि ये क्या हो रहा था ये हमारे साथ हम, ये हमारे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा था ठीक है हम खाली में यू you नो know, फालतू में ही हम खुश हो रहे थे सो तो आप यहाँ पे नाइन डेज वंडर का यूज़ कर सकते हैं हैप्पीनेस सीम्स टू बी अ नाइन डेज वंडर ठीक है, खुशी ऐसी लगती है जैसे चार, चार दिन की चांदनी है ठीक है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं सो नाइन डेज वंडर मतलब चार दिन की चांदनी सो गाइस स्टल देन बाय बाय टेक केयर एंड फन